बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत बीजेपी में शामिल होते ही करोड़ों रुपए की बारिश कर रही हैं या फिर उन्हें करोड़ों रुपए की बारिश उन पर हो रहे हैं, इस पर हम आपको रिपोर्ट बताना चाहेंगे। स्वयं की मर्सिडीज मायबैच उन्होंने खरीद लिया है एक बार फिर। जी हाँ, 2008 में कंगना ने एक नई गाड़ी खरीदी है और हेफ्टी प्राइस टैग के साथ। कंगना जो लोकसभा चुनाव 2024 में अपने खुद के शहर में मंडी में लोकसभा चुनाव लड़ रही हैं, उन्होंने सेकेंड मर्सिडीज मायबैच के ऑर्डर को एक्सेप्ट किया है। इसके अलावा आपको बता दें, प्राइस की बात करें तो स्लीक फीचर्स वाले लग्जरियस कार कॉट और रिटेंशन की फीचर काफ़ी ज़्यादा खास है। कंगना रनौत ने इसके अलावा हेडलाइंस बनाए हुए हैं। बीजेपी में आने के बाद एंटी बीजेपी पार्टियों को निशाने पर लेने की वजह से सुभाष चंद्र बोस को पहला पीएम बताकर एक बार फिर विवादों में कंगना रनौत आई हैं। एमरजेंसी फिल्म उनकी आने वाली है और इसे लेकर उन्होंने डिटेल बताया, जिसकी वजह से उनका बयान गलत नहीं था, लोगों ने बिना वजह मुझे ज्ञान देना शुरू कर दिया है। पीएम मोदी की तारीफ करने वाली कंगना रनौत ने आपातकाल फिल्म इसलिए लाया ताकि लोगों की आंखों से झूठ का पर्दा हट सके। कंगना रनौत बीजेपी से जुड़कर कंटेस्टिंग इलेक्शंस जो हैं उन्हें मंडी से शुरुआत करना चाहती हैं और उन्होंने अपनी करियर में पूरी तरह से फैसला ले लिया है कि खुद को किसी भी तरह से पीछे नहीं करना है। नेक्स्ट 9 लाइव से तृप्ति की रिपोर्ट।